नमस्कार और आदाब। आज शनिचर नवंबर के 16 तारीख पेश है आपके लिए 7 दिन की खबरें। दो औरतों का देहांत यातायात फिरकेर में हुआ है पिछले हफ्ता शनिचर को। पिछले शनिचर को इंदिरा गांधी वैक में एक ऐसा भयानक हादसा हुआ है, इसमें दो औरतों को एक तरेन वाहन जाकर इन लोगों से टकराया है और ये लेन बस के सामने लोग खड़े थे। लेन बस में लोग जा रहे थे अपने नौकरी की तरफ, तो लोग रेवल पथ पर ठहरे थे और ये बस्तियोंदर जो है तरेन वाहन का ये लिंक्स इनहाल किए हैं और रेवल पथ पर जाकर इन दोनों से टकराई है। इसमें 52 साल ट्वेन फेफ तहियार का आशावती मंगली वसीर के देहांत हो गया वहीं पर, और डेनिसन नॉर्थ से ससन फेफ तक 56 साल इनके देहांत ये हॉस्पिटल में हुआ है। इसके बाद दोनों औरतों से टकराने के बाद ये जो तरेन वाहन का बस्तियोंदर जो था, जो आदमी ये तरेन वाहन हांक रहा था, ये जाकर भी एक इलेक्ट्रिसिटी मस्त से टकराया है और वहां से चला गया है। ये 31 साल का जो बस्तियोंदर था अदेंसा दे, ये सोमवार को अपने आप को पुलिस के हवाले किए हैं। अपने वकील के साथ वो पुलिस के पास गए हैं और ये इकरार किए हैं कि ये आंध्रे दिन इन्होंने किए है। ये जो रेबवेस इनके पास तो नहीं था लेकिन पुलिस इनको हिरासत में ले लिए है, यह कैद में इस वक्त है और पुलिस आगे खोजबीन इस मामले में कर रहा है। बहुतलान ससाकन का पुराना मिनिस्टर जो है विंस्टन ख्विनो लकिन, इसका देहांत, ये एनडीपी टॉपर भी है, इसका देहांत इसी हफ्ता हो गया है। ये काफ़ी दिनों से बीमार थे और इससे पहले कोलंबिया भी गए थे और कोलंबिया में एक वीडियो बोट कप एक संदेश में अपने परिवार, दोस्तों, जान पहचानों वालों को वो शुक्रिया अदा किए हैं जिन्होंने बीमारी के वक्त में इनका सहायता किए हैं, इनके मदद किए हैं और इनके जो दुख है इसमें शामिल हुए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि वो अपनी बीमारी से जीत कर कोलंबिया से वापस आएंगे और यहाँ पर आने वाले चुनाव जो है इसमें जोर तोर से हिस्सा लेने वाले थे फरकी सिंह कंपाइयों में, लेकिन ऐसा नहीं हो पाए है। उन्होंने ये पीआर जो है, पब्लिक रिलेशंस जो है, ये पार्टी का, एनडीपी पॉलिटिकल पार्टी का करने वाले थे और कई सालों से भी एनडीपी के चेहरा भी था कंपाइंस में, कोऑर्डिनेटर भी था मिलियोई बलैत का कैबिनेट प्रेसिडेंट पर। बहंडलिंग इन जो कोलंबिया में इनका हुआ है, इलाज जो चल रहा था ये सफल नहीं हुआ है। सुरीनाम में आने के बाद इसका देहांत हो गया है, लेकिन 64 साल फिरन सस्तार के हुए हैं। सरकार ये भी ऐलान कर चुके हैं कि इनका अंत्येष्टि क्रिया राष्ट्रीय सम्मान के साथ यानी स्टार्स एयर के साथ होगा। कॉर्प्स पोलिसी सुरीनाम के पास नया 9 कमिसारसन नियुक्त हुए हैं, इन लोगों के बनू में हुआ है। दो भाइयों स्टैनली और ऑर्लांडो शांगोर के अलावा 7 और लोग कमिसारस फन पुलिसी बने हैं। ये एक को छोड़कर सबसे ऊंचा रंग है कॉर्प्स में, पुलिसी कॉर्प्स में। ये नया 9 लोग जो कमिसारस बने हैं इसमें दो औरतों भी हैं, रतिचिया फॉर्स्टर और मिगेल्डा कॉलफ। सालों से स्टैनली शांगोर जो है ये मौत और सरफयान से दिन्स का बागडोर वहाँ पर संभाल रहे थे इस अफदेलिंग का, और अब वर्नेमन डायरेक्टर है ओपरासिस का, और इनका भाई ऑर्लांडो शांगोर जो है ये अब बागडोर संभालेगा अफदेलिंग बलेट्स फोर बरेडिंग और बहियर पर। ये बफर्ग ड्रिंक जो इन लोगों को मिला है ये कोई तोहफा नहीं है, ये मुफ्त में नहीं मिला है, ऐसा सुरीनाम से पलित सिबोन का फोर्सेटर जो है राहुल हेलिंग्स ने कहा है। ये बफर्ग ड्रिंक जो है इसलिए इन लोगों को मिला है, बनू में इसलिए मिला है क्योंकि ये सब काफ़ी सालों से मेहनत किए, इन लोगों के पास तजुर्बा है और ये लोग अपने काम जो है इसे ठीक तौर से जानते हैं कैसे काम करना है। बॉन्स फोर्सेटर भी है, ये कहते हैं कि वो उम्मीद करते हैं कि ये सब आगे मेहनत करेंगे, ये मेहनत जो है ये जारी करेंगे और कानून के दायरे में रहकर ईमानदारी के साथ अपना काम ये सब करेंगे। वैसे कॉर्प्स शेफ रोबर्टो प्राद अभी बातचीत किए हैं और कहते हैं कि काफ़ी दिनों से ये सब ये बनूमिंग के इंतज़ार में थे, इसमें इसका कोई हाथ नहीं है कि इतने दिनों से ये बनूमिंग नहीं हो रहा था, ये सब इंतज़ार कर रहे थे सभी लोगों पर। अगर सभी लोग तैयार हो जाते और समय आ जाते सभी लोगों को तो एक साथ में ये 9 लोगों का बनूमिंग होता। मिनिस्टर स्टुअर्ट खतरो जो है इन लोगों को भी मुबारकबादी पेश किए हैं, ये नया कमिसारसन जो है, और ये कहते हैं कि ये पदवी के लिए सब सही लोग हैं, पूरा तजुर्बा इन लोगों के पास है इसलिए इन लोगों को वहाँ पर बैठाया गया है, इस बनू में मिला है, इन लोगों को बनू में मिला है।
ये नौ पॉलिसी कमिश्नर्स जो अब आए हैं, नए पॉलिसी कमिश्नर्स जो है, इससे समाज में काम और बेहतर तौर से होगा और समाज का जो काम है ये सब और बेहतर तरीका से संभालेंगे, जनता के लिए ये सब काम करेंगे। पिछले हफ्ता हम आपको बताए थे कि इरविन कन्हाई जो वकील है फरदाख्तन का दिसंबर स्ट्रफ प्रोसेस में, ये अपना जो क्लियंट है हो फरदाख्त देसी बाउदश है, इस वक्त प्रेसिडेंट है सुरीनाम देश का, इनके तरफ से ये मांग किए थे हो फन यूस्तिसी के पास कि ये मुकदमा जो है ये खारिज किया जाए और इनका जो क्लियंट है देसी बाउदश है, इनको कोई सज़ा ना मिले। ये भी हम आपको बता चुके थे कि इस पर गौर नहीं किया गया है, ये इकरार नहीं किया गया है। हॉफ फन यूस्तिसी जो है या क्रेगसराट जो है, ये 23 फरदाख्तन जो 8 दिसंबर स्ट्रफ प्रोसेस का है, इसके मांग के बाद, ये गुजारिश के बाद, इरविन कन्हाई की गुजारिश के बाद 29 दिसंबर को लोगों को पुकार किए हैं, ये फरदाख्तन जो है इन लोगों को पुकार किए हैं आने के लिए, और ये कहा गया है कि इन लोगों से बताया जाएगा अर्जप्राक फैसला के लिए दिन तारीख इन लोगों को इतला की जाएगी। ये मुकदमा जो है नवंबर 2007 से चल रहा है, 12 साल से ये चल रहा है, और क्रेसरा जो है ये सोमवार 6 तारीख नवंबर को एक ख़त भेजे है सभी फरदाख्तन को और ये कहे हैं कि 29 तारीख 29 नवंबर को इन लोगों से बताया जाएगा कब अर्जप्राक आएगा। अब ये इरविन कन्हाई जो कहते हैं कि इतने दिनों से लगभग 1 साल ये प्रोसेस जो है, ये छानबीन, ये औंधसुख जो है ख़त्म हो गया था और आखिरी बात कहने के लिए सभी को मौका था, तब से 1 साल बाद कुछ नहीं सुनाई दिया है, जब इन्होंने ये गुजारिश किए हैं कि ये मुकदमा जो है खारिज करने को और इनका जो क्लियंट है देसी बाउदश को कोई सज़ा नहीं सुनाने को, तो अब लोग कदम उठाए हैं और अब ये कहा गया है कि इन लोगों को बुलावा दिया गया है, इन लोगों को पुकार किया गया है और तब बताया जाएगा कब अर्जप्राक होगा इस मुकदमा में। वैसे कन्हाई पेशतर हम आपको बता चुके थे, ये भी आप भी कहे थे कि कानूनन ये तय है कि 21 दिन के अंदर वैसे एक फैसला इसमें आ जाना चाहिए था। सुरीनाम देश का प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट देसी बाउदश ये एक ऑफिशियल स्टाट्स बसुक पर जा रहे हैं फॉलक्स रिपब्लिक शीना, और वो जो संबंध है सुरीनाम और शीना को और गहरा करना चाहते हैं, यह संबंध और जोड़ना चाहते हैं। ये प्रेसिडेंट देसी बाउदश है जो 25 तारीख नवंबर नवंबर के 25 तारीख बीजिंग के ओर उड़ान करने वाले हैं अपनी पत्नी के साथ, फर्स्ट लेडी के साथ और एक पूरा देलखात से इनके साथ जा रहे हैं। ये सब के पास एक बहुत ही टाइट प्रोग्राम है, कौन से ऐसे बातें पर लोग, कौन से ऐसे आइटम्स पर ऑन द वेपन के बारे में लोग बातचीत करेंगे शीना में, और कौन से ओफरीन कॉम्सन जो है दस्तखत होगा। ये दिलखासी जो है पराद के बाद 25 तारीख नवंबर, ये आज़ादी के दिन है, ये पराद के बाद प्रेसिडेंट देसी बाउदश अपने पूरे दिलखासी के बाद एक ही दम संद्रे की तरफ जाएंगे और वहाँ से वो लोग उड़ान करेंगे बीजिंग के ओर। सुरीनाम देश 25 तारीख नवंबर 5 नवंबर इसी साल 44 साल अनाफंकलक होंगे, अपना अनाफंकलक है स्वतंत्रता दिवस से ही आज़ादी का दिन मनाएंगे, तो प्रेसिडेंट देसी बाउदश उसके बाद ये अपना मिनिस्टर टीम के साथ इसके साथ जा रहे हैं शीना, मिनिस्टर बाउतलांस साकन का इल्दिस पुलाक बीगले और फिनंसियन का मिनिस्टर गिलमोर हुफद्रात, हंडल इंडस्ट्री एंड टूरिज्म का मिनिस्टर स्टेफन संग और भी कुछ लोग इनके साथ जा रहे हैं ये खास स्टाट्स बसों पर। वैसे पेशतर बातचीत हो चुका था दोनों देशों के प्रेसिडेंटन के बीच और अब ये संबंध जो है दोनों देशों का ये और गहरा होगा। प्रेसिडेंट देसी बाउदश से पेशतर ये कहा था कि वो कुछ बाउदलांस रेसन करने वाले हैं, वो विदेश जाने वाले हैं, इनके पास कुछ निमंत्रण कुछ दावत है शीना का, रुसलान का, इंडोनेशिया, इंडिया और सर्फिया का। शीना में वो जब जाएंगे तो मुमकिन हो सकता है दालियान फेफ प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत होगा, लुफ्थाफन के अपग्रेडिंग के वास्ते भी बातचीत किया जाएगा और कुछ ओवरेन कॉम्सखन दस्तखत होगा, और साथ में भी प्रेसिडेंट देसी बाउदश शीना में जो स्टूडेंटन सुरीनाम देश का जो स्टूडेंटन वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं इन लोगों से भी मुलाकात करने वाले हैं।
ये आखिरी खबर है आज 7 दिन में। शुक्रिया, नमस्कार और खुदा हाफिज़।